आपके सामने है क्लास 7th कम्युनिकेट इन इंग्लिश की पोएम फुलिश क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, एक्सप्लेन द डबल मीनिंग इन दिस लाइंस फ्रॉम द पोएम, कैन द क्रूक ऑफ हिज एल्बो सेंड टू जेल, इफ इट कैन वेल देन व्हाट डिड इट डू। आंसर है इसका, द पोइट इन दिस लाइन आस्क वेदर अ क्रूक्ड बोन शुड बी सेंड टू जेल जस्ट एज क्रूक्ड पर्सन इज सेंड टू जेल, ही आल्सो वांट टू नो व्हाट इज इट्स मिस्टेक। क्वेश्चन सेकंड, एंड हाउ डज ही शार्पन हिज शोल्डर ब्लेड, इट विल बी हैंग्ड इफ आई नो डू यू। आंसर इसमें, द पोइट वांट टू नो हाउ शुड द ब्लेड ऑफ हिज शोल्डर बी शार्पन, ही नोज इफ ही यूज ब्लेड ही विल बी हैंग टू डेथ। क्वेश्चन नंबर 3, कैन द काल्फ ऑफ हिज लेग ईट कोन ऑफ इट्स टो। आंसर, द पॉइंट कैन द काल्फ मसल ऑफ हिज लेग्स ईट द कोन एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ स्किन जस्ट एज द यंग वन ऑफ काउ ईट कोन, यानी मेज। क्वेश्चन नंबर 4, एंड बेड टाइम विथ द ड्रम इन हिज ईयर। इस लाइन का मीनिंग, द पोइट हैज येट अनदर फनी क्वेश्चन टू आस्क, कैन द ड्रम इन साइड द ईयर बी बीटन एज जस्ट वी हैव टाइम बीट्स इन ड्रम्स। यहाँ पे सिंपली देखो, इन सभी क्वेश्चनों में एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट्स को किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रम को, ईयर ड्रम को किसी दूसरे ड्रम से कंपेयर किया जा रहा है कि हम अपने कानों के जो ड्रम है उन्हें क्या बीट कर सकते हैं जैसे हम दूसरे ड्रम्स को करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर काल्फ के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे ब्लेड्स, जो यहाँ पे ब्लेड्स के बारे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट इसी में, इससे ऊपर वाले में पूछा हुआ है क्रूक्ड बोन से। क्रूक्ड, यहाँ पे दो वर्ड है, क्रूक्ड के दो मीनिंग होती हैं। इसी तरीके से दोनों मीनिंग अलग अलग होती हैं और उसने इस पोम में सभी को एक जैसा बना दिया है। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, जो कि फिनिश होता है। And thank you.